आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ग्रुप में जो पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, ये प्रकार का सवाल में काफ़ी मतलब चैलेंजिंग सवाल है। मेरे ख्याल से कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, पर जिन्होंने कुंडली मेथड से समझाया कॉन्सेप्ट, वो वीडियो लेक्चर देखे हैं, तो मेरे ख्याल से इजीली आप लोग उसको कर पाओगे। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे है कि एक व्यक्ति ने 3600 रुपये में कुछ बकरियाँ खरीदी। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल में जब एग्जाम हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन की लाइन पढ़ते जानी है और आपको लिखते जाना है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 3600 रुपये में कुछ बकरियां खरीदी, जिनमें से देखो क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति ने 3600 रुपये में कुछ बकरियां खरीदी, मान लीजिए एन बकरी उन्होंने खरीदी, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको शायद, ₹3600 में एन बकरियां खरीदी गई हैं। अब इसमें क्या है, जिनमें से कितनी बकरी मर गई, तीन बकरी जो है वो मर गई, ठीक है। और अब 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसने शेष बची सभी बकरियों को, अब लाभ कितना चाह रहा है वो, 5% लाभ चाह रहा है, 5% लाभ चाह रहा है वो, और शेष सभी बची बकरियों को क्रय मूल्य से ₹30 अधिक में बेचा। तो जितनी कि उसको एक पड़ी थी पहले, उसमें उसने +30 रुपये कर लिए। अब उसने कुल कितनी बकरियां खरीदी थी, एक ऑप्शन है 24, एक ऑप्शन है 25, एक ऑप्शन है 32 और एक ऑप्शन है आपका 35। तो इस सवाल को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अच्छा सवाल है ये। अब मैं इसको इसका हल बताता हूँ कुंडली मेथड से, किस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप एक बार इस फंडे को समझ जाओ, कॉपी में लिख लो, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले, और अब देखो समझो कि हम कुंडली मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं इस सवाल को। तो देखो दोस्तों, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखते हैं क्रय मूल्य, यहां सेलिंग प्राइस और यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक व्यक्ति ने 3600 रुपये में कुछ बकरियाँ खरीदी, तो जेब से कितने पैसे गए, 3600, तो 3600 मैंने यहाँ पे लिख दिए, जिसमें से तीन बकरियाँ मर गई, तो एन खरीदी थी, अब कितनी बच गई, एन -3, ठीक है। अब 5% लाभ करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया बताओ, 1.05 हो गया। और अब उसने शेष सभी बकरियों को क्रय मूल्य से ₹30 अधिक में बेचा, तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो पहले ये बताओ कि कितनी बकरियां हैं, ठीक है, एन -3 बकरियां हैं, कितनी बकरियां हैं, एन -3 बकरियां हैं। तो एन -3 आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, एन -3 बकरियाँ हैं, और उसने कितने में बेचा, एन -3 बकरी है और एक बकरी को कितने में बेचा, उससे हमको क्या निकल के आएगा, टोटल विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो उसने ₹30 अधिक में बेचा, ठीक है, किससे, जो पहले उसने बेचा था, पहले जो उसने खरीदा था, तो उसने खरीद कितनी थी उसकी एक बकरी की, पहले 3600, 3600 ये हो गया आपका 3600 डिवाइडेड बाय एन, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा आपको, ये है मेरा 3600 गुना 1.05 किसके बराबर होगा, एन -3 गुना
पहले कितने में खरीदी थी मैंने एक बकरी, 3600 टोटल पैसे दिए थे, एन बकरियां खरीदी थी, 3600 बटा एन हो गई, प्लस 30 रुपये मैंने और बढ़ा दिए। अब बकरी है कितनी, एन माइनस 3 बकरी है, ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। टोटल कितनी बकरी बची है वो जो बेच रहे हैं अपन, और एक बकरी कितने में बेची वो, समझ में आ गई बात। अच्छा, जो हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होती है वो 3600 होती है। अब कई बच्चे क्या है एन माइनस 3 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो नहीं। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको चीख चीख के बताया था मेरे वीडियो लेक्चर में कि क्या होती है, जितने पैसे हमारे जा रहे हैं बस एक बार जो चले गए पैसे वो। अब कई बच्चे क्या है वो 3 जो मर गई है उसका और अलग से जोड़ देंगे, ना जेब से कितने पैसे गए, जेब से तो 3600 रुपये ही गए हैं। तो अब इससे क्या आया, 3600 गुना 1.05 इक्वल टू एन माइनस 3 इंटू 30 प्लस 3600 बटा एन। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया। तो ये जो इसको है मैं रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको जो निकल के आया है वो क्या इक्वेशन निकल के आई है वो देखो आप एक बार। यह हमको निकल के आई है कि 3600 डिवाइडेड बाई एन प्लस 30 गुना 3600 बटा एन प्लस 3 इंटू एन माइनस 3 दिखाई दे रहा है आपको, इज इक्वल टू 3600 इंटू 1.05। ठीक है, अब यहाँ पे 3600 इसमें एक मिनट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 36 गुना 105 भी लिख सकते हैं। अब कई बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे और मूर्खता कर देंगे। अगर इसमें ध्यान से दिखेंगे तो n आपको फटाफट निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, ऑप्शन में जरा ध्यान देंगे, ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे 24 है, 25 है, 32 है और 35। अब आप सोचेंगे सर ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, देखो ऑप्शन से देख के सीधा इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है आपके राइट हैंड साइड में 36 गुना 105 है, और यहाँ पे क्या है n माइनस 3 इधर है, इधर 3600 बटा n प्लस 3 है। कैसे करेंगे सॉल्व, आइडिया चमक रहा है। अब डिविजिबिलिटी का फंडा लगाओ यहाँ पे, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी स्पेशल हो। अब 105 देख रहे हो आप यहाँ पे, तो 105 क्या है 35 गुना 3 है, तो 35 में क्या है 7 का फैक्टर है, 35 क्या होता है 7 गुना 5 होता है, तो यहाँ पे 7 का फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका 7 का फैक्टर हो जाएगा। अब क्या चीज़ डालने से 7 का फैक्टर हो जाएगा वो देखो, तो आपको निकल के आएगा 24, क्योंकि 24 माइनस 3 कितना आएगा 21, 21 में 7 का फैक्टर है। 25 से करोगे तो 22 आएगा, 11 का फैक्टर है, मारोगे क्या, 11 तो यहाँ पे है ही नहीं, कैसे लाऊंगा 11, 32 माइनस 3 करूँगा 29, 29 यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ लाऊंगा 29, और 35 माइनस 3 करूँगा तो 32 आएगा, तो यहाँ पे भी 7 का फैक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप 24 लेके अपन इसको चलें एक बार, तो 24 लेके हम चलेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या लिखा है मेरा 36 गुना 105 लिखा है। अब इसको वेरीफाई और कर लो, ये हो गया आपका 21 और ये हो गया 3600 बटा 24 अपन कर रहे हैं, 3600 बटा 24, तो अगर 6 से आप भाग देंगे इसको तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 600 बटा 4 कितना होता है 150 होता है, 150 और 30 कितना होता है 180 होता है, तो 21 इंटू 180 यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 36 देख रहे हो, यहाँ पे 105 दे रहे हो, तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, 18 इंटू 10 है, 10 में से 18 इंटू 180 है ये, तो इसको आप लिखोगे क्या 18 गुना 10 लिखोगे, 10 को क्या 5 गुना 2 लिखोगे,
18 और 2 कितना हो गया आपका, 18 और 2 36 हो गया आपका, तो 36 आपका बराबर हो गया। अब आप देखो क्या बचा, 5 बचा और 21 बचा, 21 को 5 से गुणा करोगे तो आप 105 आएगा, 105 भी यहाँ पर है आपको दिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, समझे या नहीं समझे, पहली बात ये समझे हैं। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए जो जुगत लगाई है इसमें, वो क्या जुगत लगाई है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने जो जुगत लगाई है वो ये है कि कुंडली मेथड को हमने जो है राइट डाउन किया, ठीक है, कुंडली मेथड को लिखा, जिसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेलिंग प्राइस, यहाँ लिख दिया कॉस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्वेश्चन को पढ़ा, ये था 1.05, खरीदी थी 3600 पे खरीदी थी और n बकरियाँ खरीदी थी, तो ये 3600, एक बकरी कितने में खरीदी थी, 3600 बटा n में खरीदी थी। अब 30 रुपये अधिक पे अपन ने बेचा है, 3 मर गई है तो बची कितनी, n माइनस 3 से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगी सेलिंग प्राइस, 3600 गुना 1.05 करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे, फिर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बजाय ऐसा दिमाग लगाएंगे कि फटाफट आपका आंसर आ जाए। तो हमने n इक्वल टू 24 देखा, तो क्योंकि 24 करने से 24 माइनस 21 होता है और 21 में 7 का फैक्टर है और यहाँ पे भी 7 का फैक्टर था, और अगर आपके पास में समय ज़्यादा है तो उस 7 को आप वैल्यू को डाल के, उसको 24 को डाल के आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको साफ साफ दिख रहा है कि आंसर जो है वो 24 ही होगा। तो समझ में आया क्वेश्चन, हमने किस प्रकार से ये वाला सवाल हमने हल किया। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।